वसुंधरा दिनाच्या तुम्हा सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. आज फाइनली मुहूर्त निकला है कि मैं ये सारे पौधे जो बाजार से लेके आई हूँ, आई एम गोइंग टू प्लांट देम. ये है जापानीज वैरायटी ऑफ एगप्लांट. ये जो बैंगन आते हैं लंबे होते हैं और डीप पर्पल कलर के होते हैं. और पहली बार मैं पर्पल बेल पेपर माने शिमला मिर्च ग्रो करने की कोशिश कर रही हूँ. आई थिंक दिस शुड लुक, दिस एरिया शुड लुक ऑल पर्पल एंड देन आई मूव ऑन टू ग्रीन बेल पेपर एंड रेड बेल पेपर, सो इट शुड बी कलरफुल. लेट्स गेट स्टार्टेड. अब पौधों को मैं पहले तो पानी में सोक करूंगी ताकि आसानी से निकल आए. देन आई हैव टू लूजन द रूट्स एज यूजुअल एंड मे बी ट्रिम देम इफ दे आर टू लॉन्ग एंड देन प्लेस इट, वाटर इट एंड देन होप फॉर द बेस्ट. एंड नाउ आई एम गोइंग टू पुट जस्ट अ हैंडफुल ऑफ फर्टिलाइजर अराउंड द प्लांट. व्हेन यू पुट fertilizer, it's important that you water the plant. When you water it, it activates the fertilizer. And just like that, I'm going to plant all my vegetables. अभी बहुत सारे पौधे लगाना बाकी है, but I'll get to that eventually. लेकिन आप खरी घर में इसका आनंद उठा सकते हो. पता है कैसे? You know, you have methi seeds, coriander seeds at home. Just put them in a pot of soil and wait for it to sprout. जो बाजार से आप मिंट खरीदते हो ना, उसका एक स्टेम कट करके ग्लास पर पानी में डाल दीजिए. 8 या 10 दिन में उसके रूट्स निकल आएंगे और देखिए पौधा वही खिलेगा. वसुंधरा दिनाचा तुम्हारा सर्वाना खूब खूब शुभेच्छा. Go green guys. Bye.